हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अगम छाबड़ा। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं वीडियो हुंडई ओरा की। तो देख लो दोस्तों, गाड़ी मेरे सामने खड़ी है और ये है एस मॉडल, ठीक है, एस सीएनजी। आज मैं दोनों गाड़ियों के बारे में बात करूंगा, पेट्रोल और सीएनजी के बारे में, और भाई किस किस को ये गाड़ी लेनी चाहिए और किस को नहीं लेनी चाहिए, वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और भाई पहले आप इसकी फ्रंट लुक देख लो, ग्रैंड नियोस की और इसकी फ्रंट लुक ऑलमोस्ट सेम है। फ्रंट लुक लोगों को बहुत पसंद आती है, रियर लुक में कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें अच्छी लग रही है, किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर यार जो इस गाड़ी का कंफर्ट है ना, इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में, इस कंफर्ट में कोई गाड़ी नहीं है भाई, ठीक है। सस्ती की सस्ती, बढ़िया की बढ़िया, पूरा कंफर्टेबल। भाई मैंने ना अभी इसी गाड़ी में, ठीक है, मेरे किसी नोन के पास ये गाड़ी है, मैंने इसमें 250 किलोमीटर ट्रैवल किया था अंबाला से लेके दिल्ली तक, ठीक है, गुड़गांव तक, दिल्ली गुड़गांव हम गए थे। तो भाई बहुत अच्छा कंफर्ट मिला, बिल्कुल आराम से कहीं भी लेग्स नहीं लगे। आप मेरी हाइट देख लो भाई, 6.2 मेरी हाइट है, 6 फीट 2 इंच, ठीक है। तो आप ना पहले फ्रंट लुक देख लो एस मॉडल की कैसी लगती है। यहाँ पे आपको फेडेड लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल भी देखने को मिल जाएगी, और भाई यहाँ पे DRL भी दिए हुए हैं, और भाई हाइलोजन ही लाइट मिलेगी, यही इंडिकेटर मिलेंगे, कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको एस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। और भाई एक और बात है, एस मॉडल में आपको इंडिकेटर्स भी यहीं देखने को मिलेंगे। और टायर साइज़ की बात करें ना, आपको इसमें मिलेगा 15 इंच का टायर, जो प्रोफाइल है 175/60 R15 की प्रोफाइल इसमें रहेगी। और भाई अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको ड्राइविंग साइड पे क्या कुछ मिलने वाला है। तो भाई आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। अगर ड्राइविंग की बात करें ना, इसका स्टीयरिंग थोड़ा बेसिक लगता है, ठीक है, जैसे i20 या आप देख लो हुंडई क्रेटा या वेन्यू में जो आते हैं, थोड़े अलग किस्म के स्टीयरिंग है। ये थोड़ा आपको ग्रे शेड में स्टीयरिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको म्यूजिक के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, कोई टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलेगा, सिंपल आपको स्क्रीन का सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे AC के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे AC वेंट्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो नीचे की तरफ दिए हुए हैं, ये थोड़ा आपको अगर पीछे हवा देनी है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यार सही से हवा नहीं जा पाती पीछे, पर ठीक है, ओवरऑल इसमें बैक पे यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको अच्छे खासे कप होल्डर का स्पेस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस। देखो इसकी की बात करें, की इनकी स्टैंडर्ड की जो इनकी नॉर्मल गाड़ियों में आती है, वही की आपको देखने को मिलेगी। पर जो इसमें स्पेस मैनेजमेंट की गई है ना यार, बहुत अच्छी, बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी ये बनाई गई है। और आप ये देख लो यहाँ पे कितना अच्छा स्पेस है, आप काफ़ी अपना सामान यहाँ रख सकते हो। और यहाँ पे टैन कलर का थोड़ा टच दिया हुआ है, और यहाँ पे ग्रे ग्रे आपको सारा डैशबोर्ड मिलेगा, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, कुछ भी सॉफ्ट इसमें नहीं मिलेगा। और बात करें यहाँ पे इसमें, आप यहाँ जाइए, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक और बाहर मिरर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लो, ये आपको ऐसा कुछ डोर ओपनिंग का नॉब मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक आउट है। और यहाँ पे डोर में भी ग्रे और बीच आपको कलर देखने को मिल जाएगा। तो और दोस्तों ये देख लेते हैं इसका स्टेयरिंग। हाँ भाई, टिल्ट आप इसको कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये है CNG वाला मॉडल, ठीक है। प्राइस की भी इसकी बात करेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था काफ़ी इसका एग्रेसिव प्राइस है। पेट्रोल में पहले एवरेज की बात कर लेते हैं, पेट्रोल में 19-20 की एवरेज निकाल के देती है, और भाई CNG की बात करें 29-30 की एवरेज निकाल के देती है। 5 स्पीड इसमें आते हैं, 6 गियर नहीं है इसमें अभी इस मॉडल में, तो आप देख लो 5 स्पीड ही आएगा, ठीक है, 5, और ये रिवर्स गियर, ये भी ग्रे शेड में है, काफ़ी ओल्ड और थोड़ा लगता है ओल्ड फैशनेटेड, बट गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दी है। ऐसे मतलब कोई जैसे i20 में हुंडई पहचानी जाती है अपने अच्छे अच्छे फीचर देने के लिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया गया। बट भाई अगर रफ टफ गाड़ी चाहिए, कंफर्टेबल, अगर आपको बैठ के कंफर्टेबली कहीं जाना है ना, तो ये गाड़ी उनके लिए। जैसे मैं अब ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, ठीक है, ये सीट, ठीक है, हाइट एडजस्टेबल सीट है, देख लो यहाँ पे इसका एडजस्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ ना जब, और बैठ रहा हूँ तो बहुत अच्छी पोजीशन मुझे मिल रही है ड्राइविंग की, और काफ़ी अच्छा व्यू मुझे आगे सामने देखने को मिल रहा है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, यहाँ पे देख लो ग्लव बॉक्स भी इसको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि कूल्ड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को। और पीछे अब दिखाता हूँ आपको स्पेस, ठीक है, अब ये देखो भाई, अभी ये पन्नियाँ चढ़ी हैं तो अब इसको इग्नोर करना, मेरी 6 फीट हाइट है। आगे आप देख लो कितना अच्छा स्पेस है, पहले भाई आगे का स्पेस दिखा दो, आगे आराम से एक बंदा, आराम से 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है। और उसके बाद ना जब मैं पीछे बैठा हूँ ना, ये देखो दूर दूर तक भी कहीं टांगे टच नहीं हो रही भाई, इतना बड़ा मेरा हाथ मैं यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल खाली,
बिल्कुल कंफर्टेबली, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलता है, हेडरूम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो भाई जो इसमें कंफर्ट है ना पिछली सीट पे, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको एसी के वेंट देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट भी दिया हुआ है, अगर चार्जिंग अपना आप अडाप्टर लगा के यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंड रेस्ट कप होल्डर वाला देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पन्नी चढ़ी है तो मैं इसको खोल के नहीं दिखा पाऊँगा। तो यार इस मॉडल में ना आपको प्रैक्टिकलिटी के सारे फीचर मिल जाएंगे। और भाई कंफर्ट की बात करें ना, बहुत बढ़िया लाजवाब इसमें कंफर्ट मिल रहा है। और भाई डिग्गी का स्पेस भी बहुत अच्छा है, सीएनजी होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस आपने को देखने को मिल जाएगा। तो भाई पिछली सीट का तो मैं फ़ैन हो गया। देखो थाई स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक मेरी टांगे इतनी लंबी टांगे हैं, यहाँ पे मुझे अच्छा थाई स्पोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा कंफर्टेबली। मैं ना इसमें 500 किलोमीटर भी कंटिन्यूस ट्रैवल कर सकता हूँ, इतना अच्छा मुझे कंफर्ट लगता है। और बिल्कुल भी कोस्टोफोबिक फील नहीं होता, क्योंकि ना गाड़ी बड़ी ओपन ओपन सी है। आप यहाँ देखो क्वार्टर विंडो तक दी हुई है यहाँ पे पीछे, ठीक है। और काफ़ी मैं अंदर थोड़ा घुसी के बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है गाड़ी में, बिल्कुल कोस्टोफोबिक फील नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपको रियर सीट पे भी आप देख लो, जैसे इस दरवाजे में भी आपको बोतल रखने की जगह मिल जाएगी अच्छी खासी। आगे भी ये मिल रही थी, पीछे भी मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आगे और दिखा देता हूँ आपको, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एस मॉडल में भी एक सी टाइप सॉकेट यूएसबी सॉकेट और 12 वोल्ट का ये सिगरेट लाइटर वाला अडाप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी इसमें आपको मिल रहा है। और पीछे देखते हैं भाई, अब तो डिग्गी इससे मैंने रिमोट से ही ओपन कर ली होल्ड करके। देखो यहाँ पे सीएनजी का सिलेंडर पड़ा है, ठीक है। उसके बावजूद भी ना आपको डिग्गी में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपके 2-3 बैग यहाँ पे इजीली आ जाएंगे। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया, अगर इसमें सीएनजी का सिलेंडर नहीं है ना, तो आप देखो भाई कितनी वाइड डिग्गी है, इसमें बड़े से बड़े बैग आप इजीली रख के ले जा सकते हो। और ना एक और अच्छी बात है, ये ना थोड़ी नीचे की तरफ वाइड है, नीचे की तरफ दबी हुई है, तो और भी सामान इसमें इजीली आ सकता है। तो डिग्गी का स्पेस आप काफ़ी अच्छा मिल गया, पर कुछ देखो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे है भाई। यहाँ पे कोई भी आपको कवरिंग नहीं मिल रही, सारी वायर्स आपको एक्सप्लोसिवली नज़र आ रही हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कपलर वगैरह सब नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे यार इनको कपड़ा वपड़ा जो भी लगाते हैं वो लगा के देना चाहिए था, तो यार अच्छा रहता। तो ये छोटी मोटी कमियाँ इनमें दी हुई हैं, कॉस्ट कटिंग की हुई है। यहाँ पे आपको ओरा की बैजिंग, स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसी इसकी रियर लैंप देखने को मिल जाएंगे। तो प्राइसिंग की बात करते हैं भाई, जो स्पेसिफिक एस मॉडल पेट्रोल में आपको एक्स शोरूम लगभग 7,32,000 रुपये का और ऑन रोड 8,55,000 का हरियाणा में पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट प्राइस है, थोड़ा 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकता है। और सीएनजी की बात करें, लगभग 1,10,000 रुपये महंगा, 9,65,000 का आपका ऑन रोड ये हरियाणा में पड़ने वाला है। तो भाई किसको सीएनजी लेनी चाहिए? अगर आपकी रनिंग ना भाई 50-60 किलोमीटर मिनिमम डेली की है ना, तो ही आप सीएनजी के लिए जाना। अगर आपकी कम रनिंग है ना, तो यार पेट्रोल में ही जाओ, क्योंकि 1,10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, थोड़ी मेंटेनेंस भी गाड़ी की बढ़ जाती है। और भाई किसी भाई को अगर टैक्सी के लिए गाड़ी लेनी है तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीएनजी में काफ़ी अच्छी एवरेज देती है और बहुत इकोनॉमिकल है। और कस्टमर को जो चाहिए भाई, अगर कोई टैक्सी बुक करता है तो उसको कम्फर्टेबल चाहिए गाड़ी, ठीक है। जो भी कस्टमर रहता है, तो कम्फर्ट तो इसमें है ही है, तो उसमें भी ये बहुत कामयाब है और काफ़ी चल भी रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको जानकारी दी भाई किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी इन फ्यूचर भी आपकी अच्छी अच्छी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।